जैसे इधर ध्यान देना बेटा, ए है डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट का साइन है ए बी सी एंड डी। एक कितने बाई कितने का डिटर्मिनेंट है बेटा बताओ, 2/2। हाँ वेरी गुड, 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और फिर इसका इसमें, मतलब पहले आएगा AD और फिर आएगा -BC, ए हो गया इसका सॉल्व। अच्छा दूसरा टाइप का, ये पहला टाइप का, दूसरा टाइप का डिटर्मिनेंट ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। यदि इसमें ऐसा लगा दो तो ये मैट्रिक्स बन जाता है, और ए हटा दो और तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। डिटर्मिनेंट को अब इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो बेटा कैसे करते हैं। पहले रो को बॉक्स में बंद करते, ठीक है। अब सबसे पहले पहला एलिमेंट क्या है, ए, तो इधर पर ए लिखा, फिर ब्रैकेट में। अब जब पहला एलिमेंट हम लेंगे ए, तो इसको हिडन कर दो, इसको हिडन कर दो। देखो ए लिया तो इसको बंद कर दो, ए जिस कॉलम और जिस रो में है, पहला एलिमेंट जिस कॉलम और जिस रो में है उसको हिडन कर दो, और बाकी जो बचा है क्या बचेगा, ये चार है, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले ऊपर से नीचे आता है, तो ई आई माइनस एच एफ, क्लियर बेटा। तो इस ए एलिमेंट के अकॉर्डिंग समझ गए, बोलो बेटा आगे बढ़ो। इसको हटा दो, हटा दिया। अब बी एलिमेंट, सेकंड वाला एलिमेंट माइनस में लेते हैं, बी एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो बी का जो कॉलम है, बी का जो कॉलम और जो रो है उसको हटा दो, जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बचा बेटा, डी जी एफ आई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी आई माइनस जी एफ। अच्छा सी के अकॉर्डिंग, अब सी के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, सी हमें प्लस में लेना है, तो सी के अकॉर्डिंग सी वाले कॉलम को हमने थर्ड एलिमेंट लिया, उस कॉलम को हिडन कर दिया, बचा क्या, डी ई एच जी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डी एच माइनस जी ई। तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। अच्छा अब आगे देखो, ये क्यों सिखाया, क्योंकि ये मैट्रिक्स में यूज है, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना कभी कभी पूछ लेता है वो। अब देखो बेटा हेडन डालिए सब लोग, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेडन डालो बेटा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, समझ में आ गया बेटा। अब इसमें डेफिनेशन लिखो, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो पूरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिपेंड है बेटा, तो हर चीज स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही वो सॉल्व करेगा, मतलब इसमें ना रो मैट्रिक्स होगा, ना ही कॉलम मैट्रिक्स होगा, ना ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो अलग अलग हो, सिर्फ इस स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही सारी चीजें सॉल्व करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी, इज सेड
टू बी नॉन सिंगुलर, पहले हमने नॉन सिंगुलर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगा उसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारी बात समझे बेटा, जो भी ए मैट्रिक्स गिवन होगा उसका डिटरमिनेंट निकालो और वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, समझ गए बेटा। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ए हो गया इसका कॉन्सेप्ट, समझे बेटा आई बात समझ में। यदि कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो, और सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो बेटा, नॉन सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, और सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो। वेरी गुड, अब आगे देखो बेटा ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स ए इक्वल टू टू बाई एक्स माइनस वन टू वन एक्स टू एक्स स्क्वायर वन वन बाई एक्स और टू इज सिंगुलर। अब बताओ बेटा सिंगुलर में क्या बताया था, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट, बस इधर का जो बॉक्स है उसकी जगह डिटर्मिनेंट का साइन लगा दी, तो टू बाई एक्स वन वन माइनस वन एक्स वन बाई एक्स टू टू एक्स स्क्वायर इधर पर टू और एक इसके इक्वल जीरो के। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो पहले रो के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा, तो पहले रो का पहला एलिमेंट टू बाई एक्स बाहर लिख के, किसका क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स का टू में टू एक्स, फिर माइनस वन वाई एक्स का टू एक्स स्क्वायर में कितना आएगा बेटा, वन वाई एक्स का टू एक्स स्क्वायर में टू एक्स, क्लियर। अच्छा फिर सेकंड के अकॉर्डिंग, सेकंड वाला एलिमेंट यहां माइनस में आता है तो ये माइनस और माइनस वन इधर माइनस आता है। अब इसके अकॉर्डिंग किसका क्रॉस मल्टीप्लाई वन का टू में और इस वन का टू एक्स स्क्वायर में, तो कितना आएगा टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस टू के अकॉर्डिंग लास्ट वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा वन बाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब कुछ नहीं बेटा, हमने डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल किया
डिटरमिनेंट को हमने एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बनेगा और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करो बेटा। तो कितना आएगा एक्स, देखो इधर, ये तो जीरो हो गया, माइनस वन ये प्लस वन होगा इधर पर। अच्छा डायरेक्ट प्लस वन इंटू कर दो तो टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, और प्लस इधर पर टू अपॉन एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स। एलसीएम कितना आ रहा बेटा, एलसीएम कितना आ रहा इसमें एक्स। तो क्या करेंगे इधर पर, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू और माइनस कितना बेटा, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही होगा बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग इस एक्स का इधर इंटू हो जाएगा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा पावर वाला लिखेंगे। अच्छा इधर टू एक्स आएगा सर, और फिर माइनस टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का टू एक्स, फिर प्लस का टू, यही होगा बेटा। सब लोग एक बार देख लीजिए, सबका यही आ रहा है बेटा। सॉल्व करने पर पूरे में माइनस टू का डिवाइड कर दो, पूरे में माइनस टू का डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। चेक करो बेटा सबका यही आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा बेटा, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन। इधर पर माइनस वन कॉमन आ रहा, तो ये आ रहा एक्स प्लस वन, तो दोनों में एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो फाइनली एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इधर से एक्स की वैल्यू माइनस वन, उधर से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस, इट मीन्स फाइनल आंसर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन आएगा। आया बेटा समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेम ऑर्डर वाले होना चाहिए, ठीक है? और जब ऐड करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस और माइनस होता है। ये चीज समझ गए बेटा? बोलो। अच्छा अब हमारी बात ध्यान से समझना सब लोग। जैसे किसी मैट्रिक्स में हम किसी वैल्यू का इंटू करते हैं, तो वो वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट में उस वैल्यू का इंटू होता है। जैसे हमने लिख दिया ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और यदि हम ए में के का इंटू कर रहे, के ऑफ ए, तो के यदि बाहर है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इट मीन जो भी क्वांटिटी बाहर है उस क्वांटिटी को यदि इंटू करें या डिवाइड करें, अंदर के सभी एलिमेंट में होता है। जैसे के का हम इंटू कर रहे हैं, तो के का एलिमेंट के का इंटू सभी एलिमेंट होगा। समझ गए बेटा ये सब लोग? बोलो। बट इन फ्यूचर जब हम डिटरमिनेंट सीखेंगे
और डिटरमिनेंट के बाहर कोई वैल्यू है, उस वैल्यू का इनटू डिटरमिनेंट के अंदर सभी एलिमेंट में नहीं होता है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है बट मैट्रिक्स में होता है। ठीक है बेटा। अच्छा अब इसी के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए बेटा, इफ ए इक्वल टू 2 -1 3 और इधर पर 1 एंड बी इक्वल टू 1 4 7 एंड 2, फाइंड फाइंड 3a-2b। तो हमें 3a-2b फाइंड करना है। तो 3a-2b कैसे फाइंड करेंगे? अब a के साथ 3 का एलिमेंट, 3 का मल्टीप्लाई है तो a मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3a कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग? तो अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 -3 9 3, फिर माइनस। 2b कैसे आएगा? b मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर पर 2 8 14 और 4, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करो तो 6 में से 2 -4, -3 में से -8 कितना आएगा बेटा? -11, 9 में से 14, ये बीच में माइनस है ना, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे बेटा। ठीक है, आया समझ में सबको? इधर कितना आएगा? -5 और इधर पर -1। क्लियर? क्लियर बेटा। अब आगे देखो, जैसे हमें कोई डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है, ए 0 0 0, बी 0 0 0 सी, ऐसा मैट्रिक्स गिवन है, ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? बताओ जल्दी। अच्छा तो इस, हाँ तो इसको काफी जगह वो शॉर्ट में ऐसा लिख देता है, DIAG और ब्रैकेट में ए बी और सी, शॉर्ट में केवल डायगोनल एलिमेंट को अंदर लिखेगा और बाहर डायगोनल लिखेगा। समझ गए बेटा? यदि ऐसा लिखा है तो इसका मतलब यही है बेटा। क्लियर? अच्छा अब देखना बेटा ध्यान से, इफ ए इक्वल टू डायगोनल 1 -1 2 एंड बी इक्वल टू डायगोनल 2 3 -1, देन फाइंड 3a+4b। करो बेटा सॉल्व, सॉल्व कीजिए आप लोग, आंसर निकालिए इसका।
हाँ डायगोनल फॉर्म में लिख दो इसको, तो कितना आएगा? देखो बेटा आंसर आ रहा है डायरेक्ट इसका 3a+4b, सबने निकाला होगा आंसर डायगोनल 11, 9 एंड 2, यही निकाला बेटा सब लोगों ने आंसर। अच्छा हम लोगों ने क्या सीखा? दो मैट्रिक्स का प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया। मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर क्वांटिटी, यदि मैट्रिक्स में किसी नंबर का इनटू करते हैं तो वो सीख लिया, डिवाइड भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। बट अभी तक हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा, समझे बेटा? अच्छा क्या हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है, मतलब यहां पर ऐसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें, पहले तो ये सीख लीजिए कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उन सभी का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जितने भी स्क्वायर है। बट जो स्क्वायर नहीं है उनमें कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए वो देखिए। जैसे हम कहें एक मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर ध्यान से समझना बेटा, यदि हमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, जैसे कि इधर लिख दिया 3/4, ठीक है, और बी लिख दिया हमने 4/2, समझे बेटा? अब जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है बेटा? और दूसरे का, अब हमें ये पता करना है कि इसका इनटू कर सकते हैं क्या, ए बी फाइंड किया जा सकता है या बी ए फाइंड किया जा सकता है। अब देखो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि हम जिसका इनटू कर रहे हैं इसका पहले एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, और दूसरे एलिमेंट में नंबर ऑफ रो कितना है 4, यदि इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट ये इक्वल है तो ए का बी में इंटू कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? अच्छा क्या बी का ए में इंटू कर सकते हैं? बी का लास्ट कितना है बेटा 2, और ए का फर्स्ट कितना है 3, तो ये दोनों सेम है, सेम है बेटा, तो इसका इंटू नहीं कर सकते, समझ गए बेटा? तो इनटू किन का कर सकते हैं, किन दो मैट्रिक्स का इनटू कर सकते हैं? पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहला मैट्रिक्स इनटू दूसरा मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू सेकंड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, यदि ऐसा है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम? अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एक बार सीख लीजिए बेटा, 2/2 में सीख लेते हैं, ए बी सी डी, फिर पी क्यू आर एस। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है, बताओ बेटा, इनटू करते समय इधर पर इस कॉलम का इनटू पहली रो में, कैसे? जैसे हम बोल करते थे ना दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था,
आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ होता ना बेटा। आई बात समझ में? अच्छा, ऐसे ऐसे ही पहले कॉलम का पहली रो के साथ मल्टीप्लाई, मतलब डॉट, जो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं और साथ में प्लस लगाते जाते, तो क्या आएगा? फर्स्ट का फर्स्ट में एपी प्लस बीक्यू। क्लियर बेटा? आई बात समझ में? आया कि नहीं? अब इसी कॉलम का सेकंड रो में, तो सेकंड रो मतलब नीचे जाएगा, वही मेथड, पी का सी में फिर प्लस क्यू का डी में। तो पहले कॉलम का दोनों रो में मल्टीप्लाई हो गया। अब आते हैं सेकंड कॉलम का, सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में और फिर सेकंड कॉलम का सेकंड रो में। तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में क्या आएगा? ए आर प्लस बी एस, तो इधर लिखेंगे एलिमेंट। अच्छा, फिर सेकंड रो का, सॉरी सेकंड कॉलम का सेकंड रो में, तो सी आर प्लस डी एस। बता बेटा कोई प्रॉब्लम? पहले कॉलम का पहली रो में इनटू, इनटू करते समय डॉट प्रोडक्ट वाली कंडीशन, जब पहले कॉलम का पहले रो में इनटू करते हैं तो फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में। फिर से वही, पहले कॉलम का सेकंड रो में, पहले हम क्या करते हैं, इधर पर जो पहला कॉलम होता है उसके हर एक रो में इनटू कर देते हैं, तो पहला कॉलम कंप्लीट हो जाता है। पहली रो का हमने पहले कॉलम में इनटू ये बना, अब उसी कॉलम का सेकंड रो में इनटू, तो पहले कॉलम का सेकंड रो में इनटू करेंगे तो पहले एलिमेंट का पहले के साथ, तो प्लस दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ। अब आते हैं सेकंड कॉलम पर, तो सेकंड कॉलम का फिर पहली रो में मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट का फर्स्ट में प्लस सेकंड का सेकंड में। फिर पहले कॉलम का सेकंड रो में मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कोई प्रॉब्लम? बोलो बेटा। चलिए बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, चलिए आज की क्लास के लिए इतना है।